हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिकल आयरन के अंदर जो इक्विपमेंट लगे होते हैं उन सब के कनेक्शन किस प्रकार होते हैं और उन सब की वर्किंग क्या होती है, आज इस वीडियो में हम अच्छे से जानने वाले हैं। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि आयरन प्रेस में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं, फिर बात करेंगे उन सब के कनेक्शन किस प्रकार होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आयरन का एक सॉल प्लेट है जिसके ऊपर हम हीटर एलिमेंट को लगाते हैं। आप देख सकते हैं उसके ऊपर एक हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, उसके बाद एक थर्मोस्टेट स्विच लगाया जाता है। थर्मोस्टेट स्विच का काम यह होता है कि प्रेस जो है वो अगर कम हीटिंग कर रही है तो हम रोटरी स्विच से उसकी हीटिंग को ज्यादा कर सकते हैं, अगर हीटिंग ज़्यादा कर रही है तो हम उसको रोटरेट स्विच से कम कर सकते हैं। हम ये सब रोटरेट स्विच के द्वारा हम थर्मोस्टेट की सेटिंग को सेट कर सकते हैं। इसके बाद प्रेस में एक इंडिकेटर लगाया जाता है, पावर इंडिकेटर। अगर हीटर तक पावर आ रही है तो ये इंडिकेटर ऑन होगा, अगर थर्मोस्टेट से हमारी हीटर की सप्लाई कट गई है तो ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा, इसलिए इस इंडिकेटर को लगाया जाता है। इसके बाद दोस्तों एक पावर कोर लिया जाता है दोस्तों, जिससे हमारे प्रेस के अंदर सप्लाई आती है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 3 पिन प्लग टॉप लिया है दोस्तों, ताकि मैं सर्कल बनाऊं तो आपको समझ अच्छे से आ सके। उसके बाद दोस्तों हमें एक स्विच बोर्ड चाहिए जिससे हम प्रेस के अंदर पावर सप्लाई दे सके। तो चलिए आप देख सकते हैं मैंने एक स्विच और सॉकेट वाला एक बोर्ड लगा दिया है। उसके बाद चलिए अब इसके कनेक्शन करते हैं स्विच बोर्ड के। आप देख सकते हैं मैंने न्यूट्रल वाली वायर को उठाकर और ये जो स्विच बोर्ड की सॉकेट है उसके सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने न्यूट्रल वाले टर्मिनल में लगा दिया है। उसके बाद फिर फेस वाली वायर को लेंगे और फिर स्विच के जो नीचे वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देंगे और फिर ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर उठाएंगे और फिर सॉकेट का जो फेस वाला टर्मिनल है ना उसके साथ लगा देंगे। चलिए अब हमारे स्विच बोर्ड के कनेक्शन कंप्लीट हुए हैं, अब इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस मशीन है इसके अंदर जो इक्विपमेंट इन सबके कनेक्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 पिन प्लग टॉप से न्यूट्रल वाली वायर को उठाकर और ये जो डायरेक्ट हीटिंग वाला एलिमेंट है ना उसके एक टर्मिनल के साथ लगा देना है, हीटिंग वाले एलिमेंट के साथ। तो उसके बाद फिर पावर इंडिकेटर है ना उसके एक वायर को उठाकर और ये जो हीटिंग एलिमेंट के साथ हमने न्यूट्रल वाली वायर लगाई है ना उसके साथ लगा देना है। और उसके बाद फिर 3 पिन प्लग टॉप से फेस वाली वायर को लेंगे और फिर ये जो थर्मोस्टेट है ना थर्मोस्टेट के जो 2 वायर निकली हुई है आप किसी भी एक वायर के साथ लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक वायर के साथ लगा दिया और फिर दूसरी वायर से एक वायर उठाकर और ये जो हीटिंग एलिमेंट है उसके एक टर्मिनल जो खाली है उसके साथ लगा देना है। उसके बाद फिर इंडिकेटर का जो दूसरे वाला सिरा है ना वहां से आपने एक वायर को लेना है और फिर हीटिंग एलिमेंट के जो हमने फेस वाली वायर लगाई है ना उसके साथ लगा देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से आयरन प्रेस के कनेक्शन होते हैं। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।